हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम खांडवी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कप बेसन, आधा कप दही, दो कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी डालकर मिला लेंगे। रई हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसमें कोई डेले ना पड़े। ये अच्छे से मिल चुका है। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें बैटर डालेंगे। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें डेले ना पड़े। इसे बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये इतना गाढ़ा ना हो जाए। अब गैस बंद कर देंगे और एक थाली लेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरीके की प्लेट या ट्रे का यूज कर सकते हैं। अब हम प्लेट के पिछले हिस्से में थोड़ा सा बैटर लेंगे। अब इसे नाइफ की हेल्प से इस तरीके से पतला फैला लेंगे। ये अपने पतला बैटर फैला लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर ठंडा हो चुका है। अब इस तरीके से इसे लंबा लंबा काट लेंगे। अब ऊपर से घिसा हुआ नारियल डालेंगे। और इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। हमने खांडवियों को रोल करके प्लेट में रख दिया है। अब तड़के के लिए एक छोटे से बर्तन को गर्म करेंगे। अब इसमें एक चम्मच तेल,
तेल गरम हो गया है, अब इसमें एक चम्मच राई डालेंगे। और उसे चटकने देंगे। अब इसमें करीब 6 से 7 करी पत्ता दो हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसे खांडवी के ऊपर फैला लेंगे। अब इसे नारियल के लच्छों से गार्निश कर लेंगे। खांडवी बनके तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।